अभी आपको पता है अपना रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो प्रॉपर वैल्यू है 6385 किलोमीटर कुछ आता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में 6400 किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, 12800 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज डायमीटर 12800 किलोमीटर। द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन, दिस इज 9.46। इसको हम कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस डिस्टेंस इज टर्न एज वन AU, AU स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 9.46 × 10 to the power 11 meters। 1.496 × 10 to the power 11 meters। This distance is called one astronomical unit. And that is average distance between sun and the earth. ठीक है, अब इतना बड़ा डिस्टेंस भी छोटा डिस्टेंस था विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस इन द स्पेस, तो इससे बड़ा यूनिट चाहिए था। तो बड़े यूनिट की खोज के अंदर फिर जो नेक्स्ट बड़ा यूनिट मिला वो था वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन फुल ईयर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कितना है बेटा? 3.6 × 10⁸। 3.6 नहीं बेटा, ओनली 3.0, 3.0 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और आप इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट। अब आप अंदाजा लगाओ एक साल में कितना करेगी। एक साल में जब वो डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस होता है 4.96 × 10⁵ meters। ये वन लाइट ईयर 4.96 9.46 × 10⁰ meters। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन फुल ईयर। ये डिस्टेंस भी उनको छोटा लग रहा था, ये डिस्टेंस भी साइंटिस्टों को छोटा लग रहा था जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में काम कर रहे थे या जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनको इससे भी बड़ा यूनिट चाहिए था। तो इससे भी बड़े यूनिट की खोज में फिर उन्होंने एक नया यूनिट और बनाने की कोशिश की, दैट वॉज कॉल्ड पार्सेक। पार्सेक, ये पार्सेक कैसा यूनिट था? पार्सेक का मतलब ये हो गया कि आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की कोई चौड़ाई दिखाई देती है आपको, ठीक है, मगर जब आप उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाते हो तो उसका जो एंगुलर साइज है वो छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे दूर 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 जाते चले जाओगे, उसका साइज छोटा 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 होता चला जाएगा, मतलब उसकी एंगुलर विड्थ है वो नैरो डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, अब आप इमेजिन करो आप स्पेस में मूव कर रहे हो और स्पेस में आप किस चीज को देख रहे हो? एक तरफ अर्थ को देख रहे हो, एक तरफ सन को देख रहे हो, एक तरफ अर्थ को देख रहे हो, एक तरफ सन को देख रहे हो,
तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस। अब आप दूर 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 जाते जा रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है ये छोटा होता चला जाएगा। जब ये डिस्टेंस छोटा होता चला जाएगा तो एक डिस्टेंस पे जाने के बाद ये जो एंगुलर साइज होगा इनका वो रह जाएगा 1 डिग्री का रह जाएगा। इससे भी जब आप दूर जाओगे तो ये एंगुलर साइज और कम होता चला जाएगा, ये रह जाएगा 1 मिनट, ठीक है। और इससे भी जब आप बहुत दूर चले जाओगे तो फिर वहां तक जाना है आपको जब ये इसका एंगुलर साइज 1 सेकंड रहेगा, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो द एंगुलर साइज ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बिकम्स 1 सेकंड। आप इतनी दूर से अर्थ और सन को देखो, सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर दिस एंगुलर साइज ऑफ अर्थ एंड सन बिकम्स 1 सेकंड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक, ठीक है। एंड दिस 1 पारसेक इज 3.08 × 10⁻⁙ मीटर्स, ठीक है। तो इसमें अब लाइट ईयर में और पारसेक में सिर्फ 10 टाइम्स का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है। इसलिए पारसेक को यूज इतना नहीं किया गया जितना लाइट ईयर को यूज किया गया। तो लाइट ईयर आज की तारीख में एक यूनिवर्सल यूनिट है जो कि वाइडली फॉलो किया जाता है। सारे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जितने भी हैं मोस्टली दे ऑल दे आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का है, टाइम का है? सर डिस्टेंस, डिस्टेंस का। याद रखने सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि साल, एक साल जो है वो ड्यूरेशन है, मगर जो लाइट ईयर का डिस्टेंस है उसके लिए हम लाइट ईयर यूज करते हैं। है बेटा नीचे क्या लिखा है सर, मुझे दिख नहीं रहा। लो मैं हट गया, अभी दिखा। यस सर। ओके, पारसेक, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻⁙ मीटर्स। सर ये डिस्टेंसेस है, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है क्योंकि इनमें अक्सर कन्वर्शन आ जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर हैं या एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे कंपैरिजन ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए वैल्यूज का पता होना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ कृतिका चल रहे हैं आगे।